हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए एक नया एक्सेस पॉइंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसका मॉडल नंबर है DAP 2680। इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें लैंड कार्ड में एक आईपी डालनी होगी। एक्सेस पॉइंट जितने होते हैं उसके कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें आईपी डालनी होती है। आईपी डालने के बाद इसे अप्लाई कर देंगे क्लोज़ करके। उसके बाद हमारा ऑलरेडी एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसे फ़िलहाल हम लॉगिन करके लॉगआउट कर देते हैं। दोबारा से आपके सामने लॉगआउट करके फिर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन डालेंगे, पासवर्ड भी आपका एडमिन है स्मॉल में, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद बेसिक सेटिंग में जाना है, वायरलेस में। यहाँ पर आपको दो बैंड दिखाई दे रहे हैं, 2.4 and 5 GHz। तो सबसे पहले हम 2.4 कॉन्फ़िगर करेंगे और मोड में एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, और जिसका हमने नाम दिया है SSID डिस्पैच स्कैनिंग 4G। और यहाँ पर हम सिक्योरिटी में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन में WPA2 पर्सनल करेंगे, WPA मोड WPA2 करेंगे। पासवर्ड में हम की डालेंगे जो हम कनेक्ट करने के लिए रखना चाहते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद इसे सेव कर दिया। इसे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम 5G बैंड में इसे ही पेस्ट कर दें और आगे 5G लिख दें। यहाँ पर डी लिंक को इरेज करके डिस्पैच स्कैनिंग 5G मेंशन कर दिया, और सेम प्रोसेस है, पासवर्ड डालना है। चैनल भी तो यहाँ पर 40 रखनी है ताकि सभी सीरीज अपडेट रहें। और यहाँ पर हमने सेव कर दिया है और इसे ऑफ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक अपडेट होने के बाद लॉगिन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ देर के लिए वीडियो स्किप किया था, तो हमारा दोबारा से कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। और देखिए, एज हमें वायरलेस सिग्नल देखना होगा। यहाँ पर देखिए डिस्पैच स्कैनिंग 4G एंड डिस्पैच स्कैनिंग 5G लिख कर आएगा। बैक साइड में पावर और इथरनेट केबल अटैच है। ये तो हमारी पैच से कॉन्फ़िगर किया था, इसलिए अब इसमें हम इंटरनेट वाली केबल जो कि हमारे राउटर से आती है या स्विच से आती है, वो इसके बैग में हम लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त।